खरगोन जिले में लॉकडाउन का दौर शुरू होते ही पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया। जगह जगह पुलिस का पहरा आम जन को आते जाते रोककर नियमों का कड़ाई से पालन करा रहा है। लिहाजा शहर में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था लोगों को महामारी से निपटने का संदेश दे रही है। साथ ही बिना मास्क के लोगों पर चालानी कार्यवाही करने के साथ साथ उन्हें अस्थायी जेल भी भेजा गया। इस दौरान संगीन परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने खुद कमान संभाली और लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की हिदायत देकर बताया कि महामारी से निपटने में आम जन शासन प्रशासन को सहयोग प्रदान करे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सख्ती से सर पुलिस द्वारा पालन भी किया जा रहा है। आप भी सर शहर का भ्रमण कर रहे हैं, सर किस प्रकार सर इसमें सख्ती दी जा रही है, हिदायत दी जा रही है? देखिए, इसमें जो ये लॉकडाउन लगाया गया है वो कोरोना को देखते हुए, बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लगाया गया है। तो इसमें जितना संपूर्ण जिला खरगोन जो है उसमें सभी जगह शहरी क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें लगाया है। यहाँ हमने सभी जगह प्रशासन के साथ पुलिस के व्यक्ति अलग अलग पॉइंट्स पे लगा रखे हैं। उनकी मोबाइल पार्टियाँ बनाई हुई हैं, मोटरसाइकिल पार्टियाँ बनाई हुई हैं। लेकिन मतलब लोगों से हम लोगों ने पूर्व में भी अनुरोध किया है कि केवल ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलें, हम अनावश्यक बाहर न घूमें। और लोगों ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया है, वो लोग भी घर में ही हैं। लेकिन जिनकी भी आवश्यकताएँ हैं उनको निश्चित रूप से अलाउ किया गया है जाने जाने के लिए। और आवश्यक सेवाएँ हैं जैसे दूध सब्जी वगैरह, मेडिकल सुविधाएँ, तो इनको भी अलाउ किया गया है कि जिनको कोई किसी प्रकार की परेशानी इसमें सामना ना करना पड़े लोगों को। और जो व्यक्ति किसी ज़रूरी काम से निकल रहे हैं तो उनको भी अलाउ किया गया। अस्थाई जेल में सर भेजा जा रहा है कुछ? ये जो लोग अनावश्यक बेवजह घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं और इसका उल्लंघन कर रहे हैं बिना किसी वाजिब कारण के, जो घूमते हुए मिल रहे हैं, तो विभिन्न स्थानों पर अस्थाई जेल भी बनाई गई हैं। और उन अस्थाई जेल में ऐसे व्यक्तियों को पकड़ कर भेजा जा रहा है और उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।